गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और साथ में चैनल का फर्स्ट वीडियो है एंड मैं इसे एडिट करने जा रही हूँ। तो सब चीजें से फर्स्ट टाइम होने वाली है। तो अभी टाइम पास के बजाय फटाफट से चेंज करके आते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने मेरा आउटफिट चेंज कर लिया है। अभी हम फटाफट से मेकअप करते हैं, रेडी होते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे वरना। और मैं आपको बैक स्टोरी भी बताऊंगी मेकअप करते करते कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ। ओके, ठीक है। सो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ मामी फिल्म फेस्टिवल में बिकॉज मुझे वहां से इन्वाइट आया था। एंड फिल्म फेस्टिवल कुछ 27 से 5 तक है, ठीक है, 10 दिन का इवेंट है। एंड फर्स्ट ऐसा था कि पहले मेरा ऐसा था कि मैं अकेले जाने वाली थी क्योंकि किसी और को मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में से ना इनवाइट नहीं आया था। बट फिर एक दिन पहले लाइक 27 को इवेंट था एंड 26 को कॉलेज में से मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट आ गया। सो अभी मुझे मैं अकेले बोर नहीं होने वाली, अभी मेरे पास कंपनी है दूसरों को बोर करने के लिए। तो अभी इन शॉर्ट मतलब मेरे पास कंपनी है, मैं बातें कर सकती हूँ, ब्लॉग में थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। इन शॉर्ट मुझे कंटेंट का ज्यादा है अभी कि मुझे बातें करने के लिए सिर्फ मैं आपको सिर्फ मैं नहीं दिखूंगी, आपको और भी लोग दिखेंगे। एंड या तो अभी बस मैंने ब्लश लगा दिया फटाफट से, अभी इतना टाइम नहीं है रेडी होने का, बट फिर भी हम अच्छे से रेडी होके जाएंगे। अभी मैं फटाफट से ना फास्ट फॉरवर्ड में आप फटाफट से मेरा मेकअप देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको मेरा आउटफिट पूरा दिखाती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा एक्सरसाइज करना है। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस क्यूट ब्रेसलेट। और दूसरा मैं और कुछ नहीं पहनने वाली, मैं सिर्फ ये एक वॉच पहन लूंगी। यस एंड देन ठीक है, मैं इसमें भी स्ट्रगल कर रही हूँ। सो गाइज, अभी सुबह के बज गए हैं कुछ 7:04, मतलब तुम 7 ही पकड़ लो। तो अभी सुबह के 7 बजे मैं ब्रंच कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती, एज आई एम ऑन डाइट। तो मैं घर से खा के जा रही हूँ अभी क्योंकि मुझे बाहर खाने नहीं मिलेगा एंड मुझे लंच भी करने नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी खा रही हूँ। सो गाइज, दिस इज माई आउटफिट। एंड सो आई एम रेडी टू गो एंड चलो अभी हम लोग साथ में जाते हैं, ठीक है, चलो बाई।
हितांशी दोस्तों देखो मैं घर से कैसी निकली थी और अभी कैसी हो गई हूँ। घर से आइटम बन के निकली थी, मैं लिटरल आइटम बन के निकली थी और अभी देखो ये होता है जब आप ट्रेन में बस में सब जगह पे ट्रैवल करके जाओ एक जगह पे। चलो जाते हैं। गाइस अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, हम लोग जियो वर्ल्ड ड्राइव आ गए हैं और मेरे साथ निधि भी है। निधि भी है और हमारे साथ और दो लोग आने वाले हैं जिन्होंने हमको धोखा दे दिया है ऐसे निकलने के कुछ घंटे पहले। घंटे भी नहीं, मैं तो बोलूंगी कुछ समय पहले हमको ना धोखा दे दिया। अरे चली गई, मेरे को नहीं आना है। निधि अलग कैमरा शाय हो रही है बट कोई बात नहीं, आप मुझे देखो और थोड़े ऐसे खुश हो जाओ देख के, और क्या बोलूं मैं। बस अभी हम लोग जियो वर्ल्ड जा रहे हैं एंड फिर वहां जाके मैं आपको दिखाती हूँ। आई गेस मैं ये अंधेरा हो गया इधर तो भाई, धूप चली गई। शिट, एक मिनट रुको गाइस, धूप चली गई। एक मिनट आ गई धूप आ गई। वहां पे अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी वहां पे। हाँ मैं क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ मैं ये बोल रही थी आप लोगों को। शिट मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आप लोग को अंदर का नहीं दिखा सकती बिकॉज रूल्स है कि मैं अंदर का शूट नहीं कर सकती। वापस धूप, रुको जरा प्लीज। हाँ मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं अंदर का शूट नहीं कर सकती, पर हाँ मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसे ना ग्लिम्स दिखाऊंगी कि अंदर क्या हुआ कैसा, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। बट हाँ वो रूल्स ऐसे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाऊंगी अभी। चलो बहुत बातें कर रहे हो आप लोग, मैं भी बाद में बात करती हूँ। बाय। बहुत बातें करनी है बट सबसे पहले मैं ना तुम लोगों को एक लेट लतीफ से मिलवाना चाहूंगी। ये देखो ये लड़की जो दिख रही है ना, ये लेट लतीफ है। पहले हमको बोला इसने कि नहीं आ रही है, फिर ये आई। वो पता है क्यों नहीं आ रही वाली, क्योंकि उसको सोना था। नहीं तुझे शर्म आती है थोड़ी सी भी? प्लीज नहीं, कुछ मेरी ऑडियंस को बोलना चाहेगी? शर्म है ये, छोड़ो इसको। मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ, पहले ना आप ये वीडियो देख लो। I grew up in a North Indian city, sir. So guys, जैसे कि आप लोग ने देखा अभी कि मैंने निधि ने और स्नेह हम लोगों ने मिर्बाल, हाँ हम तीनों ने मणिरत्नम जी का मास्टर क्लास अटेंड किया और जिसमें होस्ट किया था इम्तियाज अली सर ने। एंड आई मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट इतना था ना दोनों के लिए, बट मुझे ना मणिरत्नम सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो गया है आज एक मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद। और इम्तियाज अली सर सो क्यूट, मतलब उनका ह्यूमर इतना, मतलब मेरे जैसा था ह्यूमर, एकदम थोड़ा लेम सा वैसा सा, मतलब लेम नहीं, इट वॉज रियली गुड, यू नो, इतना मजा आया उनके इसमें, लाइक हंसी भी आई, इट वॉज टू मच फन, यू नो, लाइक सीखने भी मिला, बट इट वॉज, यू नो, उनका जो स्टाइल था ना होस्टिंग का, मैं ये बोल रही थी कि इट वॉज सो क्यूट एंड इट वॉज सो एंगेजिंग, इतना मजा आया ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? चुप रहे, बोल। हमें बस बहुत मजा आया, ये मैं बोल चुकी हूँ। नहीं कुछ नया बोल। गाइस इनका मत सुनो, सबसे ज्यादा मजे मैंने किए है क्योंकि मुझे लिटरली उनका कॉन्वर्सेशन इतना रिलेटेबल लगा। लाइक वो लोग जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, एक्टिंग के रिलेटेड बात कर रहे थे, जो टेक्निकल बातें कर रहे थे, लाइक वो ज्यादा रिलेटेबल, कहीं ना कहीं मूवीज जब बात कर रहे थे, लाइक मजा आया। हमने कब बोला कि नहीं मजा आया, बट तुम लोग इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हो, तुमको एक्साइटमेंट दिखाना था इसमें। एकदम मरे लिटरली लोग मरे बैठे और मुझे देखो, मतलब तुमको डिफरेंस समझ आ रहा है, ये देखो ये इधर एक इंसान इतना एनर्जेटिक और दूसरा देखो और तीसरा देखो, मतलब थोड़ा यार तुमने अभी इम्तियाज अली और मणिरत्नम जी का सेमिनार अटेंड किया है, लाइक मजा आ गया। बस मैं अभी वो, मैं मतलब मैं तारीफ करने पर रहूंगी ना भाई, ये व्लॉग एटलीस्ट 25-30 मिनट का चला जाएगा, इससे अच्छा है कि अभी इधर ही एंड करते हैं। आपको मेरी भावना समझ आ गई होगी कि मैं कितनी बड़ी फैन हो चुकी हूँ स्पेशली लाइक इम्तियाज अली सर की।
लाइक इट वाज सो 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 फन. अभी हम लोग मोस्टली जा रहे हैं, स्नेक को भूख लगी है तो स्नेक खाएगी, फिर हम लोग घर जाएंगे. एंड घर जाने के बाद मोस्टली व्लॉग खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरा दिन इतना ही था आज. निधि मेरी मिमिक करने की ट्राई कर रही है. निधि कैसे निधि? नहीं प्लीज निधि अभी ना निधि मेरा मिमिक कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी. निधि प्लीज एक बार करना मेरे को. वो जान दो, वो भी कैमरा शायद एक दिन मैं करवाऊंगी. So guys, finally I'm back home and so here it comes to the end of the special day and special vlog I will say. क्योंकि जैसे कि मैंने पहले सुबह में बताया था कि ये व्लॉग मतलब बहुत स्पेशल होने वाला है, उसके बहुत सारे रीजन थे. जैसे कि पहला रीजन था कि मेरा चैनल का पहला वीडियो था, पहला व्लॉग था. एंड उसमें भी पहले ही व्लॉग में लाइक जैसे मैं पहले ही व्लॉग में जो मैं व्लॉग कर रही थी पहले दिन, उसमें ही मुझे इम्तियाज अली सर और मनी रत्नम सर मिल गए. मतलब इससे स्पेशल क्या हो सकता है यार, मतलब मेरे लिए तो इससे स्पेशल कुछ हो ही नहीं सकता है. एंड क्योंकि वो मेरे दोनों के दोनों मेरे आइडल थे, तो एज अ फिल्म मेकर मेरे लिए इट वॉज लाइक वेरी वेरी ग्रेट डे, लाइक अ डे फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ मेमोरीज. एंड या इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस इवेंट में जाना. एंड आई थिंक मैं शायद से और भी ये व्लॉग करूंगी आगे, क्योंकि ये व्लॉग 5th नवंबर तक है, तो आई गेस आपको और भी ऐसे व्लॉग्स देखने मिलेंगे. एंड ये तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.